आज हम स्वामी विवेकानंद जी की जीवन से प्रेरित सच्ची घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऐसे ही कहानी के साथ मैं उपस्थित हूँ। पहली कहानी जिसके बारे में बताना चाहूँगा आपको, स्वामी विवेकानंद जी की प्रसिद्धि देश विदेशों में फैली हुई थी, जिसके कारण एक बार एक विदेशी महिला उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके पास आई और स्वामी जी से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ताकि मुझे आपके जैसा ही गौरवशाली पुत्र प्राप्त हो, जिसके कारण हमारा पुत्र बड़ा होकर संसार को ज्ञान की राह पर चलाएगा और मेरा नाम रोशन करेगा। इस पर स्वामी जी भावुक होकर बोले, मैं तो भला एक सन्यासी हूँ, मैं आपसे कैसे विवाह कर सकता हूँ? अगर आप चाहो तो मुझे ही अपना पुत्र बना लो, जिससे मेरा सन्यासीपन भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। इतना सुनते ही विदेशी महिला स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। कहा कि धन्य हैं आप, धन्य है आपकी संस्कृति, आप साक्षात ईश्वर के रूप के समान हैं, जो किसी परिस्थिति में भी आप अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद, ऐसी है हमारी भारत।